सरकार भरे देश में कोरोना पर नकेल कसने के लिए वैक्सीन का महाअभियान चला रही हो, लेकिन अब वैक्सीन के इस महाअभियान में भी खूब गड़बड़ी सामने आ रही है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घातक बीमारी से बचे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की भी अब बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और उनकी यह लापरवाही कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ी भी कर रही है। अब ऐसा ही ताज़ा मामला बिहार के छपरा से ही सामने आया है, जहाँ टीकाकरण में एक नर्स द्वारा बड़ी लापरवाही की गई। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ है और वीडियो के अनुसार एक युवक को नर्स ने बिना वैक्सीन लोड किए इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद युवक भी खुश होकर अपने घर लौटा, लेकिन जब उसके मित्र द्वारा बनाए गए वीडियो को उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो के अनुसार टीका केंद्र पर महिला नर्स आपस में बात करते हुए सिरिंज के रैपर को फाड़ती है और इसके बाद रुई लेते हुए सिरिंज का नीडल युवक के बाजू में लगा देती है। पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखने पर साफ दिखता है कि नर्स द्वारा खाली सिरिंज युवक की बाह में लगाई गई और कहीं भी सिरिंज में वैक्सीन दवा लेते हुए नहीं दिखा है। वीडियो सामने आने के बाद महकमे में अड़कम मच गया और आनंद फानन में नर्स को कार्य से हटा दिया गया। पूरा मामला बिहार के छपरा शहर के वार्ड नंबर 1 के उर्दू माध्यमिक स्कूल ब्रह्मपुर इमामबाड़ा में बने टीकाकरण केंद्र का है। यह बीते 21 जून को वैक्सीन लेने वाला लड़का अजय हुसैन है। वीडियो इसके मित्र ने बनाया था, जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल दी। वीडियो सामने आने के बाद सरकार द्वारा चलाए गए इस टीकाकरण अभियान में बड़ी लापरवाही सामने आई है।